मैक्सिमम ब्रांड्स पे ऑफ स्टार्ट हो गया है 20% और 30%। 14 अगस्त के बाद ये ऑफ 40% और 50% पे चला जाएगा और इसके साथ साथ न्यू अराइवल भी आ गया है। और जब हर जगह पे इतना ज़बरदस्त ऑफ स्टार्ट हो जाए और हम विंडो शॉपिंग भी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं जा रही थी शॉपिंग करने, विंडो शॉपिंग करेंगे और अगर कुछ अच्छा लग गया सेल से या न्यू अराइवल से तो हम बाय कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया सेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। सेल के हवाले से आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। जब भी कहीं पर भी सेल लगती है ना, तो सेल स्टार्ट होती है तो हमारा माइंड यही होता है कि हमने जाके सेल से ही शॉपिंग करनी है। और जैसे ही हम शॉप विज़िट करते हैं ना, तो हम जो सेल वाले आर्टिकल्स होते हैं ना वही देखते हैं। न्यू अराइवल भी आता है, न्यू अराइवल को भी विज़िट करना चाहिए। अगर तो आपको सेल से कोई बहुत प्यारा सा आर्टिकल पसंद आ जाता है जो आपको सूट भी करता है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन सेल आर्टिकल के साथ साथ न्यू अराइवल भी ज़रूर विज़िट किया करें। देखिए अक्सर ऐसा होता है सेल आर्टिकल पे हम देखते रहते हैं कि इनकी प्राइस कम है तो सेल आर्टिकल से ही कुछ देख लेते हैं, यहीं से कोई शूज़ यहीं से कोई कपड़े पसंद करते हैं और जो न्यू अराइवल होता है ना उसे विज़िट नहीं करते। तो न्यू अराइवल भी ज़रूर देखा करें, वहाँ पर भी हो सकता है बहुत रीज़नेबल प्राइस पर बहुत प्यारा आर्टिकल हो और बहुत आला आर्टिकल हो, आपको बहुत ज़्यादा सूट करे। और जब आप न्यू अराइवल देखें ना, तो सेल आर्टिकल के साथ प्राइस कंपेरिजन लिया करें। यानी अगर आपको न्यू अराइवल पे कोई आर्टिकल पसंद आ गया है तो उसकी प्राइस और जो आपके पास सेल आर्टिकल है उनकी प्राइस को कंपैरिजन करें और आपको जो आर्टिकल बेस्ट है, अगर सेल में से कोई बेस्ट आर्टिकल मिलता है तो सेल में से लें, और अगर न्यू अराइवल में से कुछ पसंद आ जाता है ना तो प्राइस का कंपैरिजन कर लें। न्यू अराइवल का और सेल वाले आर्टिकल का कंपैरिजन करें और अगर तो 500-600 का डिफरेंस है ना, तो मेरे ख्याल से न्यू अराइवल वाला ही लें। जो दिल को अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है आपको पहनना अच्छा लगेगा, देन वही लेना चाहिए। फिर ये थोड़े से पैसों का जो डिफरेंस है ना वो नहीं देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ ECS की इतनी प्यारी कलेक्शन आई है ना, 2-3 साल बाद इनकी कलेक्शन जो है ना बहुत ज़बरदस्त आई है। आपको पता है ECS सेल तो लगाता ही नहीं है, और जब लगाता है ना तो वो भी कोई इतनी, मुझे तो कभी भी इनकी सेल की समझ नहीं लगी। इतने पुराने आर्टिकल्स पे ये सेल लगाता है, यानी कि 2021 वाले आर्टिकल को ना ये 2023 में जो है ना उन पर सेल आती है। ECS की इतनी प्यारी कलेक्शन आई है ना इस दफ़ा, इतनी मुझे अच्छी लगी है कलेक्शन। एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा ECS को, बहुत प्यारे प्यारे शूज़ आए हुए हैं, कुछ आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, लेकिन एक दफ़ा आपने ख़ुद भी विज़िट करना है। बहुत प्यारी कलेक्शन आई है, बड़ी अच्छी लगी है मुझे, बड़ी हसीन लगी है और रीज़नेबल भी है। हाँ, काफ़ी हद तक रीज़नेबल भी है। तो मुझे कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे थे, मैंने ट्राई भी किया, आपके साथ शेयर भी करूँगी। एक और छोटी सी टिप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करती हूँ। चीज़ वही लें जो आपको सूट करती है। अक्सर क्या होता है कि सेल आर्टिकल में होता है हमें कि प्राइस बहुत कम है, रीज़नेबल प्राइस पे ये आर्टिकल मिल रहा है, लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा होता, आपको बस ये देख रहे होते हैं प्राइस बहुत कम है। चीज़ वही लें जो आपको सूट करती है, आपके यूज़ में आएगी, आपको प्यारी लगेगी, प्राइस ना देखें, क्योंकि अगर आपको सूट नहीं ना करेगी तो क्या फ़ायदा, आपने जो उस पर 2-3 हज़ार भी लगाया ना वो भी ज़ाया जाएगा। तो दिल को लगे चीज़ तब भी लें, अदरवाइज़ जितनी भी सस्ती हो मत लें। नेक्स्ट शॉप जो हमने विज़िट की थी वो थी बॉर्जन, और इनकी कलेक्शन भी बहुत प्यारी, न्यू अराइवल भी बहुत प्यारा आया और जो ऑफ पे आर्टिकल है वो भी हसीन आर्टिकल हैं। 30% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, इधर भी आपने ज़रूर विज़िट करना, बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। मैंने जो आर्टिकल अपने लिए पसंद किया, इसमें 3 कलर थे, गोल्डन, सिल्वर और पिंक। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मैंने कौन से वाला आर्टिकल अपने लिए चूज़ किया है, गोल्डन, सिल्वर या फिर पिंक, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप सेविंग करना चाहती हैं या फिर अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करना चाहती हैं तो ये बेस्ट टाइम है, सेल से फ़ायदा उठाएं रीज़नेबल प्राइस पे, नेक्स्ट सीज़न के लिए शूज़ और अपने कपड़े लेके रख लें। और जैसे सीज़न स्टार्ट होगा आपके पास प्यारे प्यारे से रीज़नेबल प्राइस पे लिए हुए कपड़े, खूबसूरत हसीन कपड़े आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास होंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न पे देखें न्यू अराइवल जैसे ही आता है ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो आपने अपने बजट को तो डिस्टर्ब नहीं ना करना, सेविंग भी करनी है, बजट भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बेस्ट टाइम है स्टाइलिंग के लिए, सेविंग के लिए, बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, नेक्स्ट सीज़न के लिए प्यारे प्यारे कपड़े भी आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।